कटरा से 35 किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर पड़ता है और एक बड़ा झरना है। आखिर उस झरने की क्या खासियत है और मंदिर की क्या मान्यता है, हम सीधे जानकारी लेते हैं पंडित राकेश जी से। राकेश शर्मा जी, पंडित जी, क्या मान्यता है झरने की और बाबा के मंदिर की? जी, बाबा जी का नाम है सिहार बाबा। सिहार बाबा जो है वो नाग देवता है। जो आप ये झरना देख रहे हैं, तभी टाइम कहते हैं दूध का आता था। इधर के जो मुसलमान लोग थे, गांव में रहते थे, उन्हें ये दूध आते हुए देखा तो इन्हें बेचना शुरू कर दिया। फिर बाबा जी ने तो क्रोध में बाबा जी ने पानी खड़ा कर दिया। आज जैसे जैसे किसी लेडीज़ को बच्चा नहीं होता, वो आते हैं तो झरने के लिए नहाना पड़ता है, तो इधर आके बाबा से मांगना पड़ता है, तो एक सार के अंदर बाबा की कृपा से बच्चे हो जाते हैं। किसी के ऊपर कोई ऊपरी चीज़ हो, भूष होती सारे कुछ भी हो, कहीं झरने के भी नहाने से बाबा की कृपा से अपने आप खत्म हो जाते हैं। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, किसी की बेटे की जॉब नहीं लग रही, कोई भी चीज़ मांगो बाबा जी पूरा करते हैं। फिर आना पड़ता है श्रद्धा के साथ जो मांगे जो मांगे वो कहते हैं बाबा पूरी करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पर जो आते हैं दर्शन? यहाँ से पूरे इंडिया या दिल्ली से आते हैं, पंजाब से आते हैं, जहाँ जहाँ किसी को पता लग जाता है परिसी आते हैं, कटा से किसी के लिए आ जाते हैं। बाबा को क्या प्रसाद पसंद है जो लोग भक्त जो है वो प्रसाद लेकर आए बाबा के दर्शन के लिए? बाबा लोगों को यही है वैष्णो जो मर्जी का हो, आप वैष्णो खाना होना चाहिए जो मर्जी का हो, मीठे चावल लो। बिल्कुल, बाबा के मंदिर अगर आप भी आना चाहते हैं और बाबा के दर्शन करके आपके मनोकामना है कोई, तो आप भी अगर बाबा से आके जरूर मांग सकते हैं, हो सकता है आपकी मनोकामना भी बाबा पूरी कर देंगे।